नई सुबह प्रेजेंट्स इस्लाम में मुस्कुराहटें। रबी बिन उस्मान रिवायत नकल करते हैं कि एक आराबी यानी एक देहाती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने अपनी ऊँटनी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहन में बिठा लिया। वहाँ पर चंद सहाबाए किराम मौजूद थे जिन्होंने जब उस ऊँटनी को देखा तो हज़रत नुमान अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि आप इसे ज़िबा कर दें ताकि हम गोश्त खा सकें। चुनाचे हज़रत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ऊँटनी को ज़िबा कर दिया। इतने में वो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करके बाहर आया तो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाने लगा, ऐ मोहम्मद मेरी ऊँटनी का हशर देखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी आवाज़ सुनकर बाहर आए और पूछा कि ये काम किसने किया। तो सहाबे किराम ने बताया ये काम नुमान अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत नुमान अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु से मुतालिक पूछते पूछते ज़ुबाबा बिनत ज़ुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर आए। जैसे ही हज़रत नुमान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो वो ज़ुबाबा बिनत ज़ुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हा के तहखाने में छुप गए जिसके ऊपर खजूर की टहनियाँ रखी हुई थी। एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि नुमान वहाँ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत नुमान रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा वो कौन सी बात थी जिसने तुम्हें ऊँटनी ज़िबा करने पर उभारा। हज़रत नुमान अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया जिन लोगों ने आपको मेरा पता बताया है यही वो लोग थे जिन्होंने मुझे ऊँटनी ज़िबा करने का कहा था क्योंकि उनका गोश्त खाने को दिल चाह रहा था। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत नुमान का चेहरा पोछते हुए हंसते जा रहे थे और आपने ही उस आराबी को तावान अदा किया। फतहुल बारी।